बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज रात हरदा पहुंचे। हरदा में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के बीच भ्रमजाल फैलाया था। चुनाव में भाजपा की कमियों को लेकर उन्होंने कहा कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर कुछ ज्यादा विधायकों के टिकट बदले जाते तो शायद प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बन सकती थी। कैलाश विजयवर्गीय हरदा में पूर्व मंत्री विजय शाह की माताजी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। हमारे कमल जी को आपने विधायक बनाया, मुझे उम्मीद है कि वे जिस प्रकार हमेशा संघर्ष किया होगा, और मुझे तो याद है कि जब आपके यहाँ नहर का पानी नहीं आता था तो सूखी फसल उठाकर विधानसभा में धरना दिया था इन्होंने, और वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए सरकार को मजबूर किया था दिल्ली में। अब उसी रोल में फिर से एक बार आपने दिया है, तो वही रोल कमल जी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिए। इनकी ये हरदा जिला बना है तो कमल जी के कारण, ये जो सड़क का जाल बिछा है तो कमल जी के कारण, ये सिंचाई की योजना है तो कमल के कारण। तो कमल जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया और आगे भी काम करते रहेंगे। आप तालियां बजा कर इनको आशीर्वाद दें, और आपको एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आपने जो वचन किया था वो आपने बात को पूरा किया है। मैं परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण कहीं प्रदेश में जिन जिन जगह हार हुई है वहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक संगठित रूप से लड़ी है, और कांग्रेस ने सिर्फ भ्रमजाल फैलाया है, भ्रमजाल में जनता आ गई है। थोड़े दिनों में वो भ्रम समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि जनता ने जिस प्रकार से जनता को जिस प्रकार कांग्रेस ने धोखा दिया है जनता समझ चुकी है। भाई साहब, अनुशासन वाली पार्टी में बाबूलाल जी गौर कई बार अनुशासन तोड़ चुके हैं, पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही? ये अब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जो भी वो कुछ कहते हैं, अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, घर में भी हमारे दादा दादी हमको बोलते हैं, तो वो पार्टी के दादा दादी की भूमिका में है, तो डांट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस उम्र में क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई करना, जो सलाह दे उसको मान लेना। उन्होंने तो मतगणना के पहले ही आरिफ अकील से एक वीडियो में उनका वीडियो आया था जिसमें कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही, आप मंत्री बन रहे हो, बधाई दे दी थी उन्होंने। आप लोगों को भी ऐसा एहसास हुआ था? कोई भी अपने घर आए तो बोलना ही पड़ता है, जैसे आप किसी के लिए बोलना ही पड़ता है। एक आखिरी सवाल है, आपने आज एक ट्वीट किया विदेशी संतान से, विदेशी माता से उत्पन्न संतान जो है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई साहब कुछ तो बोले, ट्वीट कर दिया, मीडिया को बोल दीजिए।